सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 25वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच दुबई के मैदान पर खेला गया। इस मैच में विराट कोहली की टीम आरसीबी ने जीत हासिल की। बैंगलोर ने सीएसके को 37 रन से हरा दिया। आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स की ये 5वीं हार है। इस मैच में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 169 रन बनाए। इसमें कप्तान कोहली के बल्ले से नाबाद 90 रन निकले। इस तरह चेन्नई के सामने जीत के लिए 170 रन का टारगेट था, लेकिन सीएसके 20 ओवर खेलने के बाद भी 8 विकेट खोकर 132 रन ही बना सकी और 37 रन से ये मैच हार गई। चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन अंबाती रायडू ने लगाए। अंबाती रायडू ने 40 गेंदों का सामना किया, वहीं 42 रन अपनी टीम के लिए बना पाए। साथ ही आपको बता दें कि इस मैच में अंबाती रायडू के अलावा और किसी बल्लेबाज ने ज्यादा कुछ खास नहीं किया। टीम के नए बल्लेबाज जगदीशन ने 28 गेंदों का सामना करके 33 रन जरूर लगाए थे, वहीं धोनी भी आज सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों, इस मैच में चेन्नई की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अंबाती रायडू ने भी अपना बयान दिया है। आपको बता दें कि अंबाती रायडू ने इस मैच में हार के बाद कहा कि आज हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, हमने शुरू में अच्छी गेंदबाजी जरूर की और आरसीबी के बड़े बल्लेबाजों के विकेट भी ले लिए। डिविलियर्स तो शून्य पर आउट हो गए, परंतु आज विराट कोहली ने जिस तरीके से अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी की बहुत ही शानदार थी। कोहली ने हमसे मैच का मोमेंटम ही छीन लिया। विराट कोहली ने आज 92 रनों की शानदार पारी खेली और हम विराट कोहली को जल्दी आउट कर देते तो आरसीबी की टीम इतना बड़ा लक्ष्य नहीं बना पाती। दोस्तों, इसके बाद अंबाती रायडू ने चेन्नई की हार का कारण बताते हुए कहा कि आज हमने शुरू में अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी। शेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसिस जल्दी आउट हो गए। हमें उनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि आज वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जैसा कि उन्होंने पंजाब के खिलाफ हमें जिताया था। आज भी वो वैसा ही हमारी टीम को जिताएंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सका। और जब मैं बल्लेबाजी करने गया तो मैंने देखा कि विकेट बहुत ही स्लो था, गेंद बल्ले पर अच्छे तरीके से नहीं आ रही थी। मैंने बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश भी की, लेकिन गेंद अच्छे से टाइमिंग नहीं कर पाया। वहीं जब मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ बल्लेबाजी कर रहा था, उस समय धोनी भाई ने आते ही एक बड़ा छक्का लगाया, जिसे देखकर सबकी उम्मीदें जाग उठी और ऐसा लगने लगा कि आज धोनी बड़ी पारी खेलेंगे और अंतिम तक टिक कर इस मैच को जिता देंगे। लेकिन वो सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए, जो कि हमारी हार का बहुत बड़ा कारण भी रहा। और जैसे ही धोनी आउट हुए, ये सारा दारोमदार पारी का मेरे कंधे पर आ गया और इसलिए मैंने भी बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की, परंतु बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में मैं अपना विकेट गवा बैठा और हमारी टीम इस मैच को 37 रनों के बड़े अंतर से हार गई। दोस्तों, अंबाती रायडू ने भी धोनी के विकेट को ही इस मैच की हार का कारण बताया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी के आउट होने की वजह से ही चेन्नई की टीम ये मैच हार गई है? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट भारत के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।